दोस्तों, प्रेजेंट में भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो आपकी जबान पर अंबानी और अडानी का नाम ही आएगा, क्योंकि यही वह शख्स है जिनके पास आज की हालत में भारत में सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन दोस्तों, जब भारतीय इतिहास के सबसे अमीर इंसानों की बात की जाए तो उनके आगे अंबानी और अडानी की संपत्ति भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि भारत एक जमाने में विश्व की आर्थिक शक्ति हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को इस कदर लूटा जिसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों के भारत पर हुकूमत करने के बावजूद भी भारत में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास बेशुमार खजाना मौजूद था और अंग्रेज इससे ये खजाना छीन भी नहीं पाए थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर अली उस्मान की, जो उस समय में भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे अमीर इंसान थे और इनकी संपत्ति कुल 230 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि आज के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और एलोन मस्क की नेटवर्थ से भी कहीं अधिक है। इनकी संपत्ति में 500 मिलियन डॉलर का सोना और हीरे जवाहरात थे, जिसमें विश्व प्रसिद्ध जेकोब डायमंड मौजूद था। मीर अली उस्मान कितने अमीर थे इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब मीर अली उस्मान ने अपने खजाने में से भारत सरकार को कई टन सोना दिया था ताकि भारत में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जा सके। बहुत से लोगों का कहना है कि मीर अली उस्मान का खजाना आज भी शाही महल में मौजूद है, वह इसके बारे में सरकार को भी मालूम है। दोस्तों, अगर आप मीर अली उस्मान पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।